साथ हूं मैं आपके आहना पुंज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के सियासत के लिए कल यानी कि शनिवार का दिन बेहद अहम है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी की टीम का आमना सामना होगा। कल मुख्यमंत्री आवास में ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, जिसकी तैयारी भी पुख्ता की गई है। और यहीं पर उससे पहले रांची में आदिवासी समाज का जमावड़ा यहां लगा हुआ है, जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हेमंत सोरेन की पेशी का काउंटडाउन, शनिवार को ईडी की टीम करेगी पूछताछ। रांची में अलर्ट है पुलिस महकमा। कल यानी कि 20 जनवरी को ईडी की टीम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होनी है, इसे लेकर ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान ईडी ने पुलिस मुख्यालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि पूछताछ के लिए आने जाने के दौरान ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित कराया जाए। ईडी के पत्र के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय भी हरकत में है। 20 जनवरी को रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवाज में पूछताछ होनी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। देखिए, हम ईडी कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं और तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है, वो बैरिकेटिंग किया जा रहा है, सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। आज ईडी दफ्तर में साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव से पूछताछ होनी थी, लेकिन रामनिवास यादव आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। रामनिवास यादव को दूसरा समन जारी किया गया था, लेकिन दूसरे समन के बाद भी उपायुक्त ने हाजिरी नहीं लगाई। इधर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले रांची में आदिवासियों का जुटान भी हुआ। आदिवासी समाज के लोगों ने राजभवन मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग राजभवन आए। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर झारखंड के मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश हो रही है। बार बार समन देना, सिर्फ ईडी वाले सिर्फ वहीं जाते हैं जहां पर की बीजेपी का सरकार नहीं है। आप साफ तौर से देखिए तो ईडी वाले कहां जाते हैं? बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और झारखंड आते हैं। तो ये सारा हाथ आपका अंडानी अंबानी का दिमाग चल रहा है, उनका भी दिमाग इतना नहीं है। हमारे लोगों को ही बैठा के वो पैसा दे के अपना दिमाग वहाँ से ले रहा है और आदिवासियों को झारखंड पूरे भारत से कैसे मिटाया जाए वो प्लान कर रही है। अगर केंद्र सरकार ये तो जानबूझकर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है और ऐसे ही अगर रवैया अगर केंद्र सरकार करता है तो पूरा आए तो 3-4 प्रमंडल का हम लोग यहाँ पर उपस्थित आदिवासी हुए हैं तो पूरा झारखंड का आदिवासी पूरा चक्का जाम अरे तो गुलगुलान का काम करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन से कल ईडी की टीम पूछताछ करेगी, इसके लिए पुलिस भी अलर्ट है। लेकिन उससे पहले रांची में आदिवासियों के जुटान से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आयुष, जी मीडिया, रांची।